वंदे मातरम सर, स्वागत है आपका हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज की इस दूसरी वीडियो में। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत सराहा, उसमें कई सारे कमेंट्स किए और प्रश्न भी पूछे, तो आज की हमारी वीडियो उन्हीं पे डेडिकेटेड है, जहाँ पे हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी समझेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट भी समझेंगे, हम उस लोग को प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे और इस सीखेंगे इसको कैसे यूज किया जाए। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में जो बेस होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, करंट कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपस में कैसे यूज किया जाए, इस सबको भी हम लोग बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लगातार। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की दूसरी वीडियो में। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और जिसकी प्रॉपर्टीज होती है इसको समझेंगे। इसके बाद हमारा प्रॉपरली जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा और आज हम साथ साथ ओम्स लॉ को भी प्रूव करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्या कभी ये सोचा आप लोगों ने कि हमारे फोन चार्ज कैसे हो जाते हैं या किस तरीके से बल्ब जलता है, इसके पीछे का क्या फिनोमिना है? कभी नल से आपने पानी बहता हुआ देखा होगा, पाइप से किस तरीके से उसमें पानी बहता है। अगर पाइप पतली हो बिल्कुल तो पानी का फ्लो अपने आप उसमें कम हो जाता है, और पाइप अगर मोटी हो थोड़ी सी तो पानी का लेवल हाई हो जाता है। कुछ ऐसा ही है हमारा वोल्टेज भी, बिल्कुल इससे हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कि जिस तरीके से पाइप अगर बिल्कुल उसका रेडियस ज़्यादा होगा तो अपने आप उसके अंदर बहने वाले पानी का फ्लो भी अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पानी किसने स्पीड से बह रहा है इसको हम करंट से मेजर कर सकते हैं। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा ये जो पिक्चरियल डायग्राम है, ये द बेस्ट ऑप्शन है हमारा इसके लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज, करंट एंड एम्पेयर्स को किस तरीके से आपस में रिलेट किया गया है। सो किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी रन होता है, सो वी कैन से इजीली दैट कि वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और जो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनको बीच में रुकावटें आती हैं, उसी रुकावटों को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे डायग्राम हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल ओम से भी भाई साहब को देखिए किस तरीके से इसने एम्पियर को, करंट को रोक रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रखा है, जाने नहीं दे रहा है। रोही वोल्टेज भाई साहब ये बिल्कुल धक्का लगा रहे हैं कि अब तो है इसको भेज के मानूंगा मैं। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड था। ये तो कुछ ऐसा एग्जांपल था जहाँ पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से वायर्स के अंदर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब का क्या रोल है। वहीं बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसको बताने के लिए। एंड कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर में और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हमेशा पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। उन्हीं के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि वोल्टेज इज द पुश दैट गेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ सर्किट। हायर वोल्टेज मीन्स स्ट्रॉन्गर पुश और मोर करंट पोटेंशियली। अगर पुश ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली करंट जो है वो ज़्यादा होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। वोल्टेज और करंट आपस में रिलेटेबल है, ये हम आगे अभी ओम्स लॉ में समझेंगे इसको कैसे। कुछ इस तरीके से अगर एक सर्किट वर्क करता है बल्ब का, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके पीछे क्या फिनोमेना चल रहा है। इसको करंट, द करंट क्या है एक्चुअल में, द फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी वायर्स में, उतने ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि करंट कंज्यूम हुआ है, और उस फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा हम कह सकते हैं वहाँ पे कि उतना ज़्यादा वोल्टेज है। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच कि बेसिकली वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड इन अ वायर, एंड करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। सो हमारी डेफिनेशन में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि करंट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर, हायर करंट इज इक्वल टू मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, इट इज द टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं पर सेकेंड अगर हम इसको मेजर करें,
यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया है कि एम्पेयर्स में हम करंट को मेजर करते हैं, एंड करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है। जितना ज्यादा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा फ्लो होंगे, मीन्स करंट उतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उतना ज्यादा ही करंट भी होगा। अगर आप प्रॉपरली इन तीनों इनकी डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ऑल्सो वी कैन से इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई रियल मटेरियल नहीं होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि प्रॉपर्टीज जो होती है, हर मैटर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी भी एक प्रॉपर्टीज होती है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। हर मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। एंड द लास्ट वन इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो द कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली, व्हाइल इंसुलेटर्स रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो अब तक हमने पढ़ लिया, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सो वोल्टेज इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रेशर और वी कैन से इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट पोसेस चार्जेस और इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। किसी भी वायर में ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है या ऐसा प्रेशर जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, वोल्टेज है। एंड करंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि वायर्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं और उसको हम चार्जेस भी बोल रहे हैं। एंड द रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर्ड इन ओम्स। सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वायर में, उनके ऊपर रेजिस्टेंस तो लगेगा ही। अगर हम रोड पे भी चलते हैं, हमारे ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन, तो इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन इन अ वायर, ऐसा भी कह सकते हैं, जिसको हम मेजरमेंट ओम्स में करते हैं। सो ये थी हमारी ऑल अबाउट द थ्योरी, कि किस तरीके से बेसिक सर्किट्स वर्क करते हैं, सर्किट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड अब इसका एक प्रैक्टिकल भी करते हैं हम लोग, ओम्स लोग को समझते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे टिंकर कैट खोलता हूँ और यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, एक सर्किट बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि करंट के फ्लो होने से हमारा जो है वोल्टेज किस तरीके से इफेक्ट होता है, फिर करंट और वोल्टेज आपस में कैसे रिलेटेबल है। तो सिंपली उसके लिए हम लोग एक बैटरी यूज करेंगे, एक हमारे पास और कंपोनेंट्स पे चलते हैं और यहाँ से एक मीटर ले लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। सो दिस इज पावर सप्लाई, इसकी हेल्प से हम वोल्टेज और करंट दोनों को ही बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और इसको हटा ही देते हैं डायरेक्टली, एक बार एलईडी कनेक्ट करके देखेंगे इसमें क्या होता है। और यहाँ बल्ब ले लेते हैं, बल्ब और इसके एक टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव से अटैच कर देते हैं और एक टर्मिनल कर देते हैं पॉजिटिव से अटैच, पॉजिटिव को कलर चेंज कर देते हैं रेड। अब एक बार इस सर्किट को ऑन करते हैं, ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और हम एग्जैक्टली अभी देख सकते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट है और ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, दैट इज 104 मिली एम्पियर। बट अगर यहाँ से हम लोग वोल्ट को चेंज करें, 5 वोल्ट से अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखेंगे करंट कंजप्शन भी चेंज होगा। देखिए जैसे जैसे वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, करंट कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में सर्किट ब्लास्ट कर जाता है हमारा, वोल्टेज देखिए 26.6 एंड करंट जो है वो भी 554 मिली एम्पियर हो चुका है। इट मीन्स कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। किसी भी सर्किट में अगर हम
करंट को बढ़ा देते हैं या लोड बढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी बढ़ सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जब भी हम वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट कंजप्शन बढ़ जाएगा, और यही हमारे डे डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी ऑल अबाउट सर्किट, सर्किट कैसे वर्क करता है, ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जो हमने आज समझ लिया है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।